गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरे बच्चों, प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 3 कहा गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब किन किन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना ये आपको देखना है। पहला सवाल है एक की पावर 2, 2a की पावर 22, 4a की पावर 26। आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि अंकों को अंकों से गुणा कर दीजिए, इसके आगे क्या मानेंगे, 1 × 2 × 4 × 1 की पावर 2 × 1 की पावर 22 × 1 की पावर 26। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो गया, इनको गुणा करना है अंकों को अंकों को, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8। अब कितना हुआ, 1 की पावर। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ये सारी सारी जो घात होती है वो जुड़ जाती है, गुणा नहीं आती है, जुड़ती है। देखिए कैसे, 2 + 22 + 26 = 8, 1 की पावर कितना हुआ, 50 हुआ कि नहीं हुआ, 50 कैसे हुआ, 22 × 2 = 24, 24 × 26 = 50। सिंपल। फिर सेकंड सवाल लेते इसका, देखिए 2/3 xy × − 9/2 x2y2, बड़ा सिंपल सा है। पहले आपको बताया वही अंकों को लीजिए गुणा माइनस का 9/10, अब इनको ले लीजिए एक्स वाई गुणा एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर। कुछ किताबों में ध्यान दे लेना, यहाँ पर ये एक्स की पावर 22 भी हो सकता है, वो मिसप्रिंट था, वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब बताइए क्या बचा, माइनस के 3/5 एक्स की पावर, आप बताइए कितनी हो गए, सर 3, वेरी गुड। वाई की भी कितनी हो गई, 3 हो गई, यही हमारा आंसर आ गया। यदि आपको काटने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे, 2/3 × 9/10, 9 × 2 = 18, 10 × 3 = 20। अब इसको किससे काट दिया, 6 से काट दिया, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 20, वही बात है। इस प्रकार से अब इसका थर्ड सवाल जो हम लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा है, है क्या है, −10/3 पी क्यू की पावर 3 × 6/5 पी की पावर कितनी देर की है, 3 और q। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बता दिया कैसे, 10/3 × 6/5 फिर वही पी क्यू की पावर 3 फिर वही पी की पावर 3 q काट देंगे, 5 × 10 × 3 = −4 पी की कितनी हो गई बताइए, अब आप 3 × 1 = 4 क्यू की कितनी हो गई 4, यही हमारा क्या है इसका आंसर। ये हमारा कौन सा सवाल था, इसका थर्ड सवाल था। चलिए सवाल और लेते हैं, फोर्थ लास्ट सवाल है इसका, ये सिंपल सा है, x × x²× x³× x⁴ = 4, 4 है ये, देखिएगा सिंपल, x की पावर कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, बताइए x की पावर कितनी हो गई, कितनी हो गई, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से